अन्य श्रेय अन्य दुतव प्रेयस्ते उभे नाना पुरुष सिनीत तय श्रेय आददान्य साधुर्भवती यते अथार्द्य उप्रेयो वृणीते नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का प्रथम मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो मंत्र वो कहता है अन्य श्रेय अन्य दुतव प्रेयस अर्थात एक श्रेय है और अन्य वह ऊपर निश्चित ही प्रेय है ते उभे नानार्थे पुरुषम सीनीत अर्थात वे दोनों नाना अर्थों में पुरुष को बांधते हैं तयोः श्रेय आददान से साधुर्भवती अर्थात उनमें से श्रेय को भोगने वाला साधु होता है हीयते अथार्ध्य उप्रेयो वृणीते अर्थात नष्ट होता है अब आज जो प्रेय चुनता है तो यहाँ पर अब नचिकेता का जो तीसरा वर था उसके प्रति अब यम जो है वह नचिकेता को उपदेश देना आरंभ करते हैं तो यहाँ पर यम जो है वह नचिकेता से बहुत प्रसन्न है और वह प्रसन्न है क्योंकि नचिकेता ने सभी परीक्षाओं को अच्छे से जो है उन्होंने पूरा कर लिया है और इस प्रकार से जो है अब यहाँ पर यम जो है उन्होंने ये निर्धारित कर लिया है कि हाँ इस प्रकार का जो गुह्य ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए नचिकेता जो है वह एक उचित उचित पात्र हैं तो यहाँ पर सबसे पहले यम जो है वह नचिकेता से कहते हैं कि देखो एक श्रेय है और अन्य एक प्रेय है और ये दोनों ही वास्तव में पुरुष को बांधते हैं परंतु जो श्रेय को चुनते हैं वह साधु होते हैं और तो साधु से यहाँ पे अर्थ केवल यह ही नहीं है कि जो साधु आप देखिए कि वनों में चले जाते हैं उससे केवल वो अर्थ नहीं है साधु का जो वास्तविक अर्थ होता है वह होता है जो प्रसन्न रहे इसीलिए तो जब कभी वाह कहना हो तो वाह के लिए कई बार कहते हैं साधो साधो ऐसे कहते हैं तो उसका अर्थ क्या ही है कि जब उल्लास हो प्रसन्नता हो या कोई श्रेष्ठ जब कार्य हो तो जो वो करने वाला व्यक्ति होता है वह साधु होता है इसका अर्थ ये नहीं कि जो जो है वनों में चला गया है जिसने जो है जिसने क्या कहते हैं उसको संन्यास ले लिया वह साधु है नहीं साधु से केवल अर्थ है जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो जो श्रेय को भोगने वाले होते हैं वह है साधु होते हैं और जो प्रेय को चुनने वाले होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं वह जो है वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर बहुत गहरे अर्थ हैं इस मंत्र और अगले मंत्र में भी जो है इस विषय में बात की जाएगी तो थोड़ा गहरे से समझेंगे इसको क्योंकि मूलतः यहाँ पे लोग क्या कहते हैं लोग केवल आज के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके अनुसार कह देते हैं कि देखो तुम श्रेय और प्रेय में ऐसे भेद कर सकते हो कि देखो जैसे तुम स्वादिष्ट भोजन खाना चाहो तो स्वादिष्ट भोजन जो है वह तो प्रिय है क्योंकि वह आपको अच्छा लगता है परंतु वह आपको पोषण प्रदान नहीं करेगा जो पोषण प्रदान करने वाला भोजन होता है वह उतना स्वादिष्ट नहीं होता और इस प्रकार से जो है आप जब श्रेय को चुनेंगे अर्थात पौष्टिक भोजन को चुनेंगे तो आप तब बलशाली होंगे आपका शरीर अच्छा चलेगा और जब आप प्रेय को चुनते हैं अर्थात जब आप स्वादिष्ट भोजन को चुनते हैं तो वह जो है आपको आरंभ में तो अच्छा लगेगा किंतु वह आपके शरीर को जो है दुर्बल बना देगा और नष्ट कर देगा तो ये जो व्याख्या है ये निश्चित ही एक उचित व्याख्या है किंतु ये तब भी जो है इस विचार के गहराई में नहीं उतरी है यहाँ पे वास्तव में क्या कहा जा रहा है तो यहाँ पर आपको जो समझना है वो ये है कि इस संसार में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि करने में अभी आप सज्ज नहीं है आप उनके लिए अभी स्वयं को तैयार नहीं कर पा रहे हैं और वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी भी आप प्रेय से बंधे हुए हैं वास्तव में जो अहंकार है वह प्रेय ही है और अहंकार का त्याग जो है वह श्रेय ही है और जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं जो कि आप अपने अहंकार के लिए कर रहे होते हैं तो वह वास्तव में आप स्वयं की तुष्टि के लिए कर रहे होते हैं जो कि आपको प्रिय है परंतु वो श्रेय लाने वाला नहीं है वह आपको नष्ट ही करेगा अहंकार और जब आप अपने अहंकार के परे जा कर के संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए कुछ कार्य करते हैं या वो भी नहीं वास्तव में आप ऐसा कार्य करते हैं जो कि केवल ईश्वर के लिए है तो वह श्रेय वाला कार्य होता है और ईश्वर को पाने के लिए अहंकार को त्यागना होता है तो प्रेय वास्तव में अहंकार से जुड़े हुआ कार्य है और श्रेय जो होता है वह अहंकार के त्याग वाला कार्य है तो यदि आपन बोला कि अच्छा मैं अच्छा भोजन खाऊंगा यानी अर्थात पौष्टिक भोजन खाऊंगा ताकि मेरा शरीर बन सके तो वह भी वास्तव में अहंकार के लिए ही कार्य हुआ ना वैसे तो देखा जाए तो यदि उच्च स्तर से देखा जाए तो वह भी अहंकार के लिए ही कार्य हुआ तो इस प्रकार से वह भी वास्तव में प्रे वाला कार्य है क्यों क्योंकि आप अच्छा भोजन खा रहे हैं ताकि आप स्वस्थ हो सकें और स्वस्थ होकर के जो है आप फिर आप आप वो स्वस्थ भी आप क्यों होना चाहते हैं वो अपने लिए ही तो होना चाहते हैं ना आप अपने अपने आनंद के लिए होना चाहते हैं तो वह भी वास्तव में आपको अंत में नष्ट ही करेगा शरीर तो नष्ट ही होना है तो बहुत से ऐसे कार्य जिनको हम सोचते हैं कि ये श्रेय वाले कार्य हैं किंतु वह प्रेय वाले ही कार्य होते हैं तो ये बात हम और अच्छे से जो है अगले मंत्र में समझेंगे यहां पर हमको ये ही समझना है वास्तव में कि दो प्रकार के कार्य होते हैं एक तो कार्य ऐसा होता है जो कि प्रेय वाला कार्य होता है जो कि हमें आरंभ में लगता है कि बड़ा ही अच्छा है परंतु उसका जो परिणाम होता है वह अंत में दुखधधाई होता है और एक कार्य होता है श्रेय वाला कार्य श्रेय वाला जो कार्य होता है वह ऐसा कार्य होता है जो कि आरंभ में हमको लगता है कि ये विष के समान है ये हमारे दुखदायी होगा किंतु अंत में जो है वह ही हमें अमरता की ओर लेकर के जाता है और इसको आप अपने अहंकार से या अपने निज निज स्वार्थ से समझ सकते हैं कि जब आप कुछ भी कार्य ऐसे करते हैं जो कि अपने निज स्वार्थ को लेकर के करते हैं तो आपको प्रेयर वाला लगता है किंतु वास्तव में वो आपको नष्ट करेगा और जब आप अपने कार्य को निस्वार्थ रूप से करते हैं तो वो आपको जो कार्य होगा वो आपको आरंभ में लगेगा अरे यार ये तो कार्य उतना अच्छा नहीं है किंतु आपके लिए श्रेय वो ही लेकर के आएगा अंत में वह ही होगा जो कि आपको तारेगा इस संसार से और आपको जो है वहाँ ले करके जाएगा जो कि आप यहाँ पर करने आए हैं अमरत्व की ओर आपको वो ले करके जाएगा तो ये बात है जो कि हमें यहाँ पर समझनी है अच्छा दूसरा यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है कि दोनों ही बांधते हैं पे भी उन्होंने बोला कि दोनों ही बांधते हैं तो वो जो बांधने वाली बात है वो इसी रूप से है कि जब आप किसी कार्य को स्वयं के लिए करेंगे तो वो आपको बांधेगा और यदि आप उसे निस्वार्थ करेंगे तो वो आपको बांधेगा नहीं तो ये जो है ये भाषा की सीमा यहाँ पे हो जाती है कि किस प्रकार से आपको बताया जाए क्यों क्योंकि एक दूसरे में परस्पर विरोधी हो गया ना कि आप श्रेय वाला कार्य भी कर रहे हैं किंतु तो यदि श्रेय वाला कार्य स्वयं के लिए कर रहे हैं तो वो आपको बांधेगा और यदि आप श्रेय वाला कार्य जो निस्वार्थ रूप से कर रहे हैं तो आपको बांधेगा नहीं तो ये बात भी हमको यहाँ पे समझनी है तो यही संदेश यहाँ पे इस मंत्र में था आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं नमस्ते